भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मन्मथनाथ विश्वास की ओर से मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि पूरी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज खंडन किया जाता है। जितने स्टेट प्रेसिडेंट है उसको आज निर्वासित किया जाता है और नई कार्यकारिणी और नए होद्देदार के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो अपनी घोषणा पत्र में वापस उनको नियुक्त करेंगे। किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना खुद का अधिकार में आता है, वो अपना अधिकार का उपयोग करके ये खंडन कर रहे हैं और नई नियुक्ति जल्दी ही करेंगे। सारे देश में श्रमिक लोगों को साथों में लड़ाई करने के लिए हमारा जो कार्यकर्ता है एक साथ में लड़ाई करेगा। ये लड़ाई श्रमिक लोगों का साथों में क्या लड़ाई, ये लड़ाई देश का लड़ाई, ये देश का साथों में लड़ाई है। माननीय वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। श्रमिक ने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। श्रमिक हमारा वो हिस्सा है, हमारे पांव है, हमारे हाथ है, और जो हमें ग्राउंड लेवल से मेहनत करके आपको दिखता नहीं है कोई चीज़ों को हम कॉरपोरेट लेवल में देख रहे हैं, तो उसके जड़ों में उसके पिलर में श्रमिक है। तो श्रमिक ने मगर आज तक कुछ मांगा नहीं। ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि उनके जीवन जरूरियात का, उनके निर्वाह का जिम्मेवारी हम उठाए और उनकी जो जरूरियात है, उनके बच्चों का एजुकेशन है, उनका हॉस्पिटलिटीज़ है, वो सारा हम निर्वाह बिल्कुल जिम्मेदारी से और अच्छे तरह से रिस्पेक्टेबल वे में पूर्ण करें। ये मैं समझता हूँ कि हमारे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का ऑल ओवर फॉर्मा है। कोई एक मांग मजदूर ने नहीं की, कभी कोई उन्होंने शिकायत नहीं की। तो ये हमारा दायित्व है, मुख्य दायित्व है कि इनका जीवन निर्वाह पूरी तरह से व्यवहार रूप से बिल्कुल चलना चाहिए। ये हमारा मुख्य एजेंडा है।